नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं आलोक। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही इस बात की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई थी कि फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटीशन से चुनौती दे सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू से ही कहता आया है कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में बोर्ड ने कोर्ट के फैसले को अनुचित बताते हुए नामंजूर कर दिया। साथ ही साथ लखनऊ में रविवार को बोर्ड की कार्यकारिणी ने अहम बैठक का निर्णय लिया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात भी कही गई। वहीं बोर्ड ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि अनियंत्र लेने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो ऐसे में सवाल यह कि क्या अभी भी मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म नहीं हुआ है? तमाम सारे सवाल हैं जो आज हम आए हुए मेहमानों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन सवालों को जरा दिखाएंगे। क्या अयोध्या मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश हो रही है? सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मानने की बात पहले क्यों कही गई थी? फैसला पक्ष में ना आने पर क्यों बदला गया पर्सनल लॉ बोर्ड? रिव्यू पिटीशन दायर करने से उसके फैसले पर क्या असर पड़ेगा? सवाल यह भी है, क्या 5 एकड़ जमीन लेना शरीयत के खिलाफ है? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जो हर शख्स के जहन में आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सामाजिक विश्लेषक अशोक सिन्हा जी हैं। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मुरली मनोहर जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। मुरली मनोहर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। AIMIM प्रवक्ता अजमल खान जी भी हमारे साथ हैं। अजमल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मेहमानों से बहुत सारी चीजों को आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल जो है मेरा, सबसे पहले मैं वरिष्ठ अधिवक्ता मुरली मनोहर जी के पास आऊंगा। मुरली मनोहर जी, जो अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही इस बात की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई थी कि फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटीशन से चुनौती दे सकता है, सबसे पहले इस जो रिव्यू पिटीशन के बारे में जानना चाहेंगे और जो चुनौती की बात की जा रही है, जरा देखिए ये रिव्यू पिटीशन की बात। तो अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट में 9 नवंबर को पढ़ा जा रहा था, उसी समय बात होने लगा कि हम लोग रिव्यू करेंगे और बिना फैसले की पूरी जानकारी हुई। रिव्यू करना ये किसी भी पक्ष का अधिकार है जी। अगर कोई जजमेंट या निर्णय ऑन इट्स फेस ऑफ रिकॉर्ड अगर गलत है तो उस चीज को रेज करते हुए कोई भी पार्टी उसके लिए रिव्यू पिटीशन ला सकती है। मियाद उसकी 30 दिन है जी। लेकिन ये जो रिव्यू पिटीशन आ रही है, हमारे हिसाब से ये मैटर केवल पॉलिटिकल है। देखिए 2021 में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में होने हैं इलेक्शन, 2019 का ये अंत है। अब रिव्यू पिटीशन की 30 दिन मियाद होती है, जो वन ऑफ द मेंबर ऑफ जजमेंट थे रंजन गोगोई साहब, वो रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट होने के बाद जब ये पिटीशन पड़ेगी तो पहले तो पिटीशन जाएगी एक मेंबर को नॉमिनेट करने के लिए, क्योंकि 5 जज की पीठ है तो 5 जज की पीठ ही इसको रिव्यू करेगी। और इन सब चीजों का सिलसिला चलता रहे और किसी पर्टिकुलर पार्टी को एक पॉलिटिकल माइलेज मिलता रहे, इसलिए ये रिव्यू पिटीशन का पूरा मंशा है जी। क्योंकि हमने एक आध जगह मंशा चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक रिव्यू पिटीशन कोई भी पार्टी कर सकती है। अजमल जी से जानना चाहेंगे। अजमल जी, क्योंकि आप भी कानून के बड़े जानकार हैं, इसलिए मेरा रिव्यू पिटीशन के बाद इस मामले पर किस तरीके का फर्क पड़ सकता है? सर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है और CVC में भी। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे समझूंगा सर कि किसी भी फैसले को रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, CPC भी सुप्रीम कोर्ट पर उतनी ही अप्लाई करती है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि फैसले को चुनौती दी जा रही, तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने की बात कही गई और रिव्यू में भी तो सुप्रीम कोर्ट के ही सामने जा रहे हैं, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या स्टेट्यूटरी लीगल प्रोविजन को एग्जास्ट किया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। बाकी मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा, रिव्यू में भी रिव्यू सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई आदमी कोई शख्स
सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू में जा रहा है, ये भी बात नहीं जी। नहीं अजमल जी, सवाल ये कि आपने कहा कि कोर्ट का फैसला मानने वाली बात जो की ये बात पहले से ही की जा रही थी कि कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा, लेकिन अभी भी तो जा तो कोर्ट के ही पास रहे हैं ना। देखिए जब हाई कोर्ट का फैसला आया था 210 में तब भी ये बात कही गई थी और आपके स्टूडियो में भी कही गई थी, डिफरेंट जगहों पे कही गई थी। देखिए हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दिया, 1/3 बार दिया गया था, इसका मतलब मुकदमे को मामले को लटकाए रखना चाहते हैं जी। लेकिन क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को टोटली इलीगल कह दिया, 151 से लेकर 210 तक के अपने जजमेंट को साइड करके कहा कि ये हाई कोर्ट ने ये ओवरलुकिंग कर दी, ये गलती कर दी। अब सवाल ये कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ना हो, सीपीसी में प्रोविजन ना हो, अगर कंटिन्यूएशन ऑफ दी प्रोसीडिंग को ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही तो बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अगर कोई एक पार्टी अगर उससे फील करती कि इसमें कोई गलती है या उसके हिसाब से गलती है, गलती ना भी हो तो वो रिव्यू का प्रोविजन है, बाकी सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि रिव्यू में उसे क्या करना है क्या नहीं करना है जी। चलिए हमारे साथ तमाम मेहमानों के बीच हमारे साथ मोहम्मद इकबाल अंसारी जी भी जुड़ गए हैं। इकबाल अंसारी जी पक्षकार हैं बाबरी मस्जिद के। इकबाल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, हमारे पास तमाम सारे मेहमान जुड़े हुए हैं बड़ी बहस में, पत्रकार से लेकर के कानूनी जानकार से लेकर के, सर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू से ही ये कहता आया इकबाल जी कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं है, ऐसे में बोर्ड ने कोर्ट के फैसले को अनुचित बताते हुए नामंजूर कर दिया। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर सबसे पहले इकबाल जी। तमाम लोग बैठे हुए हैं, अपनी अपनी राय लोग दे रहे हैं तो पहले उन्हीं से पूछा, हम तो बाद में बताएंगे जी। नहीं सर चलिए बाद में सब कुछ होगा, लेकिन हम चाह रहे थे कि पब्लिक फोरम में सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई जज कोई वकील नहीं है कुछ, लेकिन सब लोग अपनी बात रख रहे हैं कि किसके मन में क्या है, कौन क्या सोच रहा है राम मंदिर को लेकर के। सर जब ये बात कही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब लोग मानेंगे, तो अब ये चीज क्यों सामने आ रही है? पूरी दुनिया कह रही थी कि हिंदुस्तान का कानून है हम सब मानेंगे, संविधान जो बना हुआ है उसके तहत हमको चलना भी है जी। लेकिन उसी के साथ में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू भी हिंदुस्तान का, अगर कोई जाता है तो उसमें कोई जो है किसी को कोई परेशानी हो जाए, जो कमियां पूछ ली जाएंगे वो खत्म हो जाएगी, क्या उस पर ज्यादा कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी तो हिंदुस्तान का कानून है, हमारे देश का कानून है जी। चलिए इकबाल जी आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही, लेकिन हम आपसे एक सवाल का जवाब और चाहेंगे। कुल मिलाकर के जो सिनेरियो सामने आ रहा है, जो तस्वीर सामने आ रही है, वो लग रहा है कि इसका मतलब तो ये कि जब तक हक में फैसला नहीं आएगा तब तक इस तरीके की प्रक्रिया चलती रहेगी? नहीं देखिए ऐसा है कि फैसला जो कुछ भी है वो सब ठीक है, हम जो है संविधान का जो है जो करते हैं और संविधान को मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि संविधान ने गलत फैसला किया, संविधान ने ठीक फैसला किया। इकबाल जी हर तरफ ये बात की जा रही है, बस इस आई एक सवाल का जवाब और चाहूंगा कि संवैधानिक दायरे में जो भी चीजें हों, जब एक चीज सामने आ चुकी है, वो फैसला लोगों को मंजूर हो चुका है और उस पर मोहर भी लगा दी है, आम आदमी की भी सहमति बनती नजर आ रही है, मैं इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर के जब देश में अगर शांति की बात आ रही है इस फैसले के बाद, तो साफ तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या ये शांति पसंद नहीं आ रही है क्या? ऐसा है कि हम तो शांति का ही पैगाम देते हैं, हमेशा शांति में रहे हैं इसलिए शांति का पैगाम देते हैं। अब लोग नहीं कर रहे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि शांति कायम रखें, ये होना चाहिए। तो ये शांति का पैगाम जो आप दे रहे इकबाल जी, ये संदेशा पहुंच नहीं पा रहा है क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक, या उसकी मंशा कुछ और है? पत्रकार बहुत ज्यादा है, इससे जो मुहिम चलाई गई थी तो 25 पत्रकार बुलाए गए थे, 14 पत्रकार इसमें है, हम सबको कहाँ तक अच्छा संदेश देते हैं, जितना जो है दे रहे हैं उतना हमारे लिए जो है बहुत है, लोग हमारी बात माने, हम तो ये कहते हैं कि अपनी बात हम कहे लोगों को मानना चाहिए। चलिए इकबाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोहम्मद इकबाल अंसारी जी जो कि पक्षकार थे बाबरी मस्जिद के, अमन चैन की बात कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बोर्ड ने कोर्ट के फैसले को अनुचित बताते हुए नामंजूर कर दिया, और लेकिन वो अमन और शांति की बात करते हैं।
अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी सामाजिक विश्लेषक के तौर पर हैं, संघ से जुड़े भी हैं। सर, जो अमन चैन की बात इकबाल साहब कर रहे थे, अमन चैन समरसता की बात तो संघ भी करता है। देखिए, निश्चित रूप से इस मुकदमे के कई आयाम रहे हैं और सबसे बड़ी अच्छा विषय यह रहा कि जब इस मुकदमे का फैसला आया, 500 वर्ष पुराना मुकदमा था, लगभग 350 साक्ष्य वहां उपस्थित थे, 88 गवाह ने वहां पर गवाही दी और आप यह देख लीजिए कि 1045 पन्ने में यह रिपोर्ट आई, इसका जजमेंट आया। तो इस जजमेंट की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह सर्व समझने योग्य फैसला था, सबको समझ में आने लायक फैसला था, सबको समझ में बड़े आराम से आ गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है। नंबर एक, घुमाया फिराया कुछ नहीं था। इलाहाबाद वाला हाईकोर्ट का जो मुकदमा का फैसला था वो थोड़ा घुमा फिराव करके था, इसमें कोई घुमा फिराव की बात नहीं थी। नंबर दो, सामाजिक सौहार्द इतना बढ़िया उभर के, हमें तो उम्मीद कम थी, हम तो अंसारी साहब जैसे मुस्लिम पक्षकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, 99.99% मुसलमान इस देश का और हिंदू समाज, इन दोनों ने जो भाईचारे की भावना दर्शाई है, जो शांति कायम रखी, जो गंभीरता दिखाई अदालत के फैसले के बाद, मैं अभिभूत हूं इस बात से कि इस देश में इतनी बड़ी भावना है लोगों के अंदर कि वो एक रह सकते हैं, देश के विकास के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और हम कब तक किसी मुकदमे में फंसे रहेंगे जे। तो एक अशोक जी, जब हम 99.9% लोगों की बात करते हैं जो अमन चैन पसंद लोग हैं, लेकिन जो 1% लोग हैं, 0.1 है ना, बिल्कुल वही किस तरीके से, आखिर उनके क्या मंशा हो सकती है? देखिए, मुकदमे दो दो वकील साहब बैठे हुए हैं यहाँ लोग, और जब भी कोई इंक्वायरी की जाती है तो उसे मोटिव देखा जाता है, मोटिव क्या है। तो आप ये देख लीजिए कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना कब हुई, किसके इशारे पर हुई, क्या फंडिंग रही, कहां से इसका खर्च आता है, और ये क्या सभी मुसलमानों के रहनुमा है, क्या उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वहां, जहां तक मुझे जानकारी कि एक भी पसमांदा मुसलमान उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं है जी। तो क्या भारतवर्ष में रहने वाले शांति प्रिय मुसलमानों का पूरा प्रतिनिधित्व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है क्या जी? अगर करता होता तो लोग उसे सरमौर बनाए रखते, बहुत सी समस्याएं हैं, बिल्कुल शिक्षा का है, उसका भी जवाब हम लेंगे। इस सवाल का जवाब भी मैं अजमल जी से लूंगा, लेकिन अब मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी के पास आ जाता हूं। मनोज जी, फैसले के बाद किस तरीके से बात आ रही थी कि अब शांति कायम है, लोग किस तरीके से वहां पर प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें, महज कुछ चंद लोगों को ये शांति रास नहीं आ रही, अब तो यही लग रहा है जिस तरीके से अब मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। नहीं आलोक जी, दरअसल अगर आप निर्णय आने से पहले इन सारे लोगों को बयान देखें जो रिव्यू पिटिशन की बात कर रहे हैं, और स्पेशली मैं कहना चाहूंगा ओवैसी साहब के, परसेंट में भी नहीं, 0.1% कहना भी गलत होगा सिन्हा साहब। दरअसल ये कुछ लोगों की मंशा है जो इस पे राजनीति करना चाहते हैं, और उसका कहीं ना कहीं उनका लाभ पीछे भी मिलता आ रहा, आगे भी उसका लाभ लेना चाहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कानूनी प्रक्रिया की। कानूनी प्रक्रिया में लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट जब 2010 में निर्णय आया था, उसके बाद जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस दिन से लेकर के 9 तारीख तक लगातार दोनों पक्ष नहीं बल्कि सबका यह कहना था, और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि निर्णय जो भी आएगा उनका अनुपालन कैसे होगा। लेकिन देश की जनता, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोगों ने इसको सरमाथे लेते हुए जिस तरीके से इसका अनुपालन किया है, अब बिना किसी विवाद के, वो एक बहुत बड़ा मैसेज गया है गंगा जमुनी तहजीब और हिंदुस्तान के सभी वर्गों को, सभी लोगों के लिए। अब बात हम आते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं सीधे शब्दों में आलोक जी कहना चाहूंगा कि अगर इस मामले को रिव्यू पिटीशन दाखिल करें, वो कोर्ट का मैटर है, फर्क कब पड़ेगा, जब रिव्यू पिटीशन अगर इस निर्णय पे स्टे देता है तब तो कहीं ना कहीं चीजें रुकेंगी, बातें आगे बढ़ेंगी। अगर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होती बिना स्टे के, तो राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू होगा, लोग फिर विवाद, आप समझिए विवाद को जड़ कहां मिल रही, और विवाद शुरू कहां से हुआ, आप इनके जो वकील थे उनका बयान आने के बाद, उन्होंने रिव्यू पिटीशन की बात नहीं कही थी, उन्होंने डिसीजन से न सहमत होने की बात की थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का लगातार बयान वो आना शुरू हो गया कि हम इससे सहमत नहीं है, जमीन उसको दे दी गई जिसने जमीन तोड़ी, मतलब तो बहुत सारी चीजों को लेके, तो ये केवल और केवल राजनीति हो रही है जिसमें चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कुछ लोग हैं उसमें, संघ परसेंट में नहीं आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उचित कर रहे हैं, इसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा जी। अजमल साहब, ये कोरी सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, महज जैसे कुछ संगठन है वही कर रहे, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और
जो अशोक जी ने जो एक सवाल किया था, क्या वो पूरे मुस्लिम समुदाय का रहनुमा है क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? ये बहुत अहम सवाल है सर। मैं तो ये नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू समाज का ही पूरे का रहनुमा हो। ये बात कहना, हमारे अशोक भाई आरएसएस से हैं, उनका नहीं, उन्होंने सवाल किया ये सर। अरे भाई, उसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, थोड़ा रुकिए। जी जी, वो पूरे हिंदू समाज का रहनुमा है क्या? अरे भाई, पर्सनल लॉ बोर्ड, अरे भाई आपको डिस्टर्ब नहीं किया अशोक जी, सुनिए। ठीक ठीक सर, बोलिए। पर्सनल लॉ बोर्ड आपका, उनका एक अपना आइडिया हो सकता है, उन्होंने, हम तो पर्सनल लॉ बोर्ड में है नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड का आइडिया हो सकता है उन्हें जजमेंट गलत लगा, हाँ, उन्होंने अपने वकील से कंसल्ट किया या नहीं किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम रिव्यू में जाएंगे। मुझे नहीं लगता कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होने के बाद, स्टेचुटरी प्रोविजन होने के बाद कि कोई ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसपे इतनी बड़ी बहस खड़ी हो, उनकी मंशा तलाश की जाए। यही मंशा तलाश की जा रही थी जब 2010 के फैसले के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट गए, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप अपने स्टूडियो के अगर आप डिबेट्स को देखेंगे तो यही मंशा तलाश की गई थी। अरे भाई, रिव्यू में जा रहे हैं तो उसमें कौन सी ऐसी बात हो जा रही है? फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहे हैं, कहीं बाहर थोड़ी जा रहे हैं। जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई भी लीगल प्रोविजन को इस्तेमाल करने पर मोटिव नहीं असर्ट किया जा सकता। साहब, रिव्यू में जाना डिसीजन से असहमति जताने के बाद आदमी जानता है, आप कानूनविद हैं, उससे बेहतर जानते हैं, इस बात को तो कहिए कि आप उससे सहमत नहीं है जो निर्णय आया, तभी हम रिव्यू पर समझा रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कि ये ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, और पूरा फैसला पढ़ लीजिए, पार्ट पी एंड क्यू पढ़ लीजिए, और उसके बाद ये तय करिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टोटल फेथ पे जाके डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में माना है कि इनर कोर्ट जो है इस पे सारी गवाही सब कुछ मुसलमानों की है, आउटर कोर्ट पे मुसलमानों का दावा नहीं था, जो कुछ भी पूजा पाठ था सब हिंदुओं का था। उसके बाद भी 142 का, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके ये कहा कि इसको सेटल करने के लिए हम रेस्टिट्यूट कर रहे हैं मुसलमानों को 5 एकड़ से। इस रेस्टिट्यूट की आप वर्ड मीनिंग देख लीजिए, उसका मतलब क्या होता है? चोरी की हुई, लूटी हुई जमीन का मतलब है, उसका मुआवजा दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में माना, और सुप्रीम कोर्ट इस बात में फेल किया जो उसकी ड्यूटी थी कि वो सारे धर्मों के लोगों को बराबर ट्रीट करता, जो फंडामेंटल राइट्स में। अगर ये सवाल दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ी है। सवाल ये कि 5 एकड़ जमीन, शरीयत, पक्ष विपक्ष, हिंदू, इन सबसे अलग मेरा सवाल ये है कि अगर लोग देश हित के बारे में सोच रहे हैं, अमन चैन के बारे में सोच रहे हैं, तो फैसले के बाद शांति व्यवस्था कायम है, ये सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए ना, ना कि हम शरीयत का हवाला देकर के आप फिर से आप मामले को उलझाइए कहीं ना कहीं। मैं इस सवाल का जवाब जी, अगर कोई लीगल क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन फैसले उठाना लोगों का अधिकार ना हो तो उसके बात करिए जी। अधिकार, अधिकारों का इस्तेमाल आप हर जगह, वो संविधान ने हमें पूरे तरीके से अधिकार दिए हैं जी जी। नहीं, हाँ ठीक है, हम, मैं यहाँ पर शांति व्यवस्था से जोड़ करके पूछ रहा हूँ सवाल, मनोज जी आपसे सवाल, ठीक है मनोज जी? नहीं, दरअसल आलोक जी, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ जमाल साहब से कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते तभी तो रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, और 5 जजों की बेंच में लंबी सुनवाई के बाद, चाहे मध्यस्थता कमेटी रही हो, तो मैं किसी एक पक्ष की बात कर ही नहीं रहा हूँ। अगर निर्णय आया था तो उससे पहले फिर ये नहीं कहना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था ना कि अगर हमारे फेवर में आएगा तो हम मानेंगे, नहीं आएगा तो अधिकार की बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कानून में सबको समान अधिकार है, रिव्यू पिटीशन भी उसी के एक पार्ट है। दूसरी बात आलोक जी, शांति व्यवस्था पे अब चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है क्योंकि देश ने 9 तारीख, 10 तारीख या उससे बड़ा दूसरे दिन ही एक 12 अफ़्फ़ात का बड़ा त्यौहार था, लोगों ने बहुत अच्छा परिचय दिया है, तो अब वो मुद्दा नहीं है, बल्कि आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम के बीच की जो राजनीति है जिसपे लोग चाहे दंगों को लेकर के बात विवाद क्या करते थे, उसको कहीं ना कहीं विराम लग गया है, और इस निर्णय के अनुपालन कराने में सरकार जरूर अपनी व्यवस्था के साथ सफल रही है जी। हाँ मुरली जी, एक सवाल आपसे यह है कि इस रिव्यू पिटीशन को लेकर के अगर मैं नफा नुकसान की बात करूं तो किसको होता नजर आ रहा है? देखिए, नफा नुकसान कुछ नहीं है, ये सब 2021 के इलेक्शन का एक बेस है। दूसरा बेस ये है कि 3 महीने के अंदर जो ट्रस्ट बना के राम मंदिर बनाने की बात करी गई है उसके लिए एक नया मुकदमा लाने की एक सोची समझी रणनीति है कि ये रिव्यू पिटीशन जब फाइल हो जाएगी, और ये फाइल होगी हमारे हिसाब से देखिएगा जब 30 दिन के अंदर 27वें 28वें दिन, तो वो होगा कि बिल्कुल एंड में, ताकि वो रिव्यू पिटीशन लिमिटेशन में रहे और फाइल हो जाए। अब वो जब रिव्यू पिटीशन जाएगी तो रंजन गोगोई साहब की जगह दूसरा जज नॉमिनेट होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे, तब तक
अगर ट्रस्ट ने अगर काम शुरू किया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में नई पिटीशन आएगी कि साहब हमारा रिव्यू है और वो केस अभी पेंडिंग है इसलिए इसको रोका जाए। ये केवल उसका एक भूमिका तैयार करी जा रही है और कुछ नहीं है। दूसरी चीज रिव्यू करने के लिए जो मौलाना अरशद मदानी साहब ने जो जमैत उलेमा हिंद के हैं उन्होंने ये उन्होंने खुद अपने आप कहा है कि हमको मालूम है कि हमारी रिव्यू पिटीशन 100% खारिज होगी लेकिन हमने क्योंकि ये फाइल करना हमारा हक है इसलिए हम फाइल कर रहे हैं। देखिए जैसे रफाइल वाले मैटर में रिव्यू पिटीशन फाइल हुई 2 दिन पहले खारिज हुई वो अभी तो रिव्यू पिटीशन करना ये कोई बहुत सी बड़ी चीज नहीं है लेकिन ये केवल ओवैसी साहब को इलेक्शन का दिख रहा है उनको मीडिया में रहना है चर्चा में रहना है इसलिए ये रिव्यू पिटीशन का केवल एक ही मुद्दा है ये रिव्यू पिटीशन फाइल करके पॉलिटिकल माइलेज को गेन करना और कुछ नहीं है। बिल्कुल क्या सवाल ये कि सिर्फ ये चुनाव के लिए है? बिल्कुल मनोज जी से चुनाव को लेकिन मैं अशोक जी के पास आ रहा हूं। अशोक जी जैसा कि मुरली जी ने भी कहा कि ट्रस्ट को लेकर के अब मेरा सवाल यही कि अब ट्रस्ट को लेकर भी तो किस तरीके से अब घमासान मचा हुआ है अयोध्या में सर। अब देखिए ट्रस्ट बनाना सरकार का काम है मंदिर बनाना ट्रस्ट का काम है यह सरकार और ट्रस्ट अपना उस चीज को समझेगी। जहां तक आम जनता का प्रश्न है आम जनता एक 2-3 प्रश्न का उत्तर चाहती है। पूरे मुकदमे में एक बात तो साफ हुई कि बड़ा सीधा सरल मुकदमा था। एक बात मुकदमे में यह कही गई कि राम अयोध्या में जन्मे इसमें पूरे कहीं कोई विवाद नहीं है मुस्लिम पक्ष भी कह रहा है और सभी पूरा विश्व में कोई इसका किसी ने खंडन नहीं किया। दूसरा यह कहा कि रामलला जहां पर एक व्यक्ति के रूप में इस मुकदमे में शामिल हो रहे हैं वो इनके बारे इनकी मांग जो है वो विधिक मांग है विधिक मांग शब्द प्रयोग किया गया है यह विधिक मांग है इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप देखिए जमीन जो अभी MIM के प्रवक्ता साहब ने कहा कि साहब रहनुमा कोई किसी का नहीं है तो यह बताइए कि 5 एकड़ जमीन तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को वापस की जा रही है इनकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है तो वो तो पूरे मुस्लिम समाज का रहनुमा अपने को कह रहा है भाई संघ कभी नहीं कहता कि हम रहनुमा हिंदुओं के कभी नहीं उसने कभी भी नहीं कहा वो तो संगठन का काम करता है वो तो समाज को एकत्रित करने का काम करता है वो रहनुमा कैसे हो सकता है। मगर जो रहनुमा है तो वकील जमीन मिलना है सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा है हम नहीं जा रहे रिवीजन में जा कौन रिवीजन में रहा है जो अपने को पूरे भारतवर्ष के मुस्लिमों का रहनुमा मान रहा है वो कह रहा है हम जमीन हम लेंगे नहीं शरीयत के खिलाफ है तो शरीयत पर हक जो है वो जता रहा है एक संगठन मुस्लिम वक्फ बोर्ड तो कुछ कह भी नहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड तो कुछ कह भी नहीं रहा जी कह रहा है साहब बहुत जिम्मेदारी से सवाल अजमल जी से इसी सवाल का जवाब लेंगे। सर बिल्कुल किसी का फैसला किसी को नामंजूर किसी को मंजूर और शरीयत का हवाला दिया जा रहा है ये कहां तक जायज है सर। देखिए हर आदमी इंडिपेंडेंट है अगर हमारे दोस्त कह रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया है और वो जमीन नहीं उनको कोई डिस्प्यूट नहीं है तो ये हमने तो किसी एक आदमी का स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो कल मीटिंग हुई उसमें किसी ने कहा कि भाई हम सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा तो कहा नहीं कि जो मैंने देखा वो जीलानी साहब ने किन्हीं 3 लोगों का नाम गिनाया कि ये लोग आए थे जो नाम मुझे याद नहीं वो जो रिव्यू करना चाहते हैं उनके बिहाफ पे रिव्यू किया जाएगा। अब ये अपने आप से कह देना कि सारे मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि हम लोगों को जो भी लोग रिव्यू में जा रहे हैं वो उनको वो जमीन मान्य नहीं है ये बात कही गई है। इसको और बढ़ा देना अशोक सिन्हा जी की तरह सारे का रिप्रेजेंटेटिव बना देना और खुद को कहना कि हम क्लेम नहीं करते सारे काम करना ये सारी बातें इस वक्त की नहीं है ये सारी बातें इस वक्त की नहीं है। अरे भाई तो आप पर्सनल लॉ बोर्ड के एक आदमी का उनके जो राबे हसन साहब उनके अध्यक्ष उनका स्टेटमेंट दिखाइए को क्लेम कर रहे हो कि हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के रहनुमा ये बात तो आप ही एलिगेशन लगा रहे हैं ना। अरे तो भाई जमीन मिल रही सुन्नी वक्फ अरे भाई आप लेना नहीं लेना अरे तो कौन सी दिक्कत आपको आपको क्या दिक्कत इसमें हो रही है हमें तो ये बात नहीं समझ आपका राम मंदिर बन रहा है ना आपको क्या दिक्कत हो रही नहीं, आप नहीं बन रहा है आप जो आप राष्ट्र पुरुष है भाई अरे भाई आप मुसलमान अरे भाई आप दो दो सुप्रीम कोर्ट आप काजी साहब को सुनिए आप देखिए आप डिस्टर्ब ना करिए बात डिस्टर्ब नहीं अरे भाई काजी साहब इसी सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष रहे उन्होंने कभी नहीं कहा अधिकार है भी आप देख लीजिए आप ये बातें ना कहिए बात सुनिए थोड़ा बर्दाश्त का मादा रखिए। यहां के तमाम हिंदुओं ने कहा उस बात को जो ये कह रहे हैं सर्वमान्य ये बातें नहीं जो बात लीगल हो रही है वो ये हो रही है
कि रिव्यू में लोग जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, स्टेचुटरी राइट भी है। जिसको जमीन दी गई वो लेने के लिए तैयार है, तो बाकी लोग कुछ होते नहीं उसमें। जो कुछ रिव्यू में फैसला आना होगा आ जाएगा। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर रिव्यू में, जैसे हमारे लायक दोस्त कह रहे हैं वकील साहब, कि 3-4 महीने या 6 महीने और लग जाएंगे तब भी कोई आफत नहीं आ जाएगी इतने बड़े मसले में, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उसके बाद तो कुछ नहीं बचेगा ना, खत्म हो जाएगा, खत्म होने दीजिए, क्या दिक्कत जी। मनोज जी, जिस संवैधानिक दायरे में राम मंदिर बनाने की बात की जा रही थी, और बड़ी बात, बड़ा सवाल यह कि लगातार हर तरफ यही कहा जा रहा था कि जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा, कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, अब उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से अब विरोध के जो सुर सामने आ रहे हैं, हालांकि वो भी संवैधानिक दायरे की बात कर रहा है, लेकिन सर मैं एक सवाल ये पूछना हूं, जिस तरीके से जफर याब जिलानी साहब भी सवाल उठा रहे हैं, इकबाल अंसारी साहब भी जुड़े हुए थे और जफर याब जिलानी साहब भी, वो कहां से कहां पहुंच गए, वो वहीं रहे। आलोक जी, दरअसल इस बार जब निर्णय आया तो परेशानी जफर याब जिलानी को या अंसारी साहब को कम थी, परेशानी की शुरुआत हुई इस बार जो बिल्कुल इस पूरी लड़ाई में कहीं नहीं थे। जरूर इस के जरिए एआईएम के नेता अपनी जमीन उत्तर प्रदेश में बाकी जगहों पर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस विवाद को बहुत समय मिलने वाला है, क्योंकि अब इसका अंत हो चुका है। इस पूरे देश की निगाह थी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, हम उसका पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, अब रही बात इस पर रिव्यू पिटिशन जाना चाहिए, बिल्कुल जाए, उस पर भी मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जाना किसको चाहिए भाई, वादी हम हैं, ये वैसी साहब थोड़ी तय करेंगे। वैसी साहब के इन्वॉल्व होने के बाद लगातार, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जफर याब जिलानी हो, ये लोग कहीं न कहीं राजनीति के शिकार हो रहे हैं। और बिल्कुल, अब देखिए पहले भी मामला यह राजनीति जुड़ा हुआ था और निर्णय आने के बाद भी राजनीति से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन जो धार्मिक भावनाएं भड़काने उड़काने की बातें आलोक जी लगातार होती रही है, उस पर आज लगभग 10 दिन हो गया है, ना ही कोई असर पड़ने वाला, ना कोई असर पड़ा। दूसरी बात, आपने सवाल बीच में और किया था, ट्रस्ट बनाकर के 3 महीने मंदिर निर्माण को लेकर के फिर अयोध्या में कुछ संतों को लेकर आप बात कर रहे थे। दरअसल ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट है, वो मुझे नहीं लगता कि अब तक के जितने भी मंदिर हैं उनसे बड़ा, ये बहुत बड़ा ट्रस्ट होगा, और इसके निर्माण की भूमिका या बाकी चीजें उसमें ना ही कोई विवाद दिख रहा। हाँ, स्थानीय स्तर पर जिन लोग, जो लोग इसमें लगे थे, चाहे न्याय मंदिर न्याय समिति की बात कर ले या जिन भी अखाड़ों की बात कर लेते हैं, वो आपस में, लेकिन विवाद वो बाहर नहीं आ रहा, विवाद आ रहा है इस निर्णय के रिव्यू पिटिशन पर। और लगातार इस विवादों को, हमारे अजमल साहब शायद मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, अब अजमल साहब अगर आप, मैं यही इसलिए कहना चाह रहा हूं, 9 तारीख के डिसीजन से पहले के बयान और डिसीजन आने के बाद के बयान अगर आप देखेंगे, अपने आप में 36 का आंकड़ा है, जिसको जनता भी देख रहे और हम आप भी देख रहे हैं। जी, तो बिल्कुल सवाल यह है कि जिस रिव्यू पिटिशन को लेकर के बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात सामने आ रही है। वहीं बोर्ड ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि अनियमित से साफ तौर पर इनकार कर दिया, अब शरीयत का हवाला भी दिया जा रहा है। तमाम सारे सवाल हैं जो कुछ जवाब जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मेहमान बने हुए हैं, बड़ी बहस जारी है, छोटा सा ब्रेक फौरन हासिल।